ने पढ़ लिया और उस लड़की को ये लगा कि इसको तो मुझे भेजना चाहिए था, इसने इसको क्यों भेजा। ओह, वो इस चक्कर में शिकायत लगी कि स्पॉइल फॉर चॉइस थे। आपने सुना ना कि वो बात नहीं सुनी, मैं तो शिकायत ही लावांगा। तो उस लड़की ने कहा ये लेटर मुझे तो आ नहीं रहा, मैं तो शिकायत ही लावांगी। अब बढ़ते हैं जी अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसमें हम एहसन को दिखाएंगे कुछ पिक्चर्स। ओके। और उन तस्वीर को देख के आपने 60 सेकंड्स में एक कहानी बतानी है या बनानी है। पिक्चर्स दिखाइए। इजी। लो जी, दो हैं गैल्स, एक बैंडेज है, लेटर, पेन और स्लैप। ठीक है जी, एक लड़के ने जी पेन पकड़ा, उसने लेटर लिखा प्यार भरा, उसने जाके एक लड़की को दिया कि ये फलां लड़की सामने खड़ी है उस तक पहुंचा दो। वाह। उस फलां लड़की जो किसी और को देख रही थी जी, उसको एक बेवकूफ लड़के ने लेटर भेज दिया। हाँ। वो वापस पलटी, बहुत थप्पड़ मारे उसको। इतने मारे कि बेचारे को पट्टियां करानी पड़ गई। सही बात है, सही बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर ये पूरा वाकया सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। मुश्किल बात है अगर ऐसा हो जाए तो। आपने भेजा हुआ लेटर? हाँ, भेजे हुए लेटर, भेजे हुए। तो फिर इस ये तस्वीर में से मुझे बता दे कौन सी चीज। ये सब कुछ हुआ मेरे साथ, लेकिन थप्पड़ जो पड़े थे वो माँ बाप से पड़े थे। क्योंकि अम्मी अब्बा तो वो तो कहते हैं ये स्कूल पढ़ाई करने जाते हो, ये करने जाते हो। एंड व्हेन दे रिसीव द कॉल फ्रॉम द स्कूल दैट योर सन इज डूइंग दिस, सेंडिंग लेटर्स टू दीज गर्ल्स, तो उस पर तो मार पड़नी पड़नी थी। लेकिन आइंदा लेटर नहीं लिखा मैंने, फिर डायरेक्ट अप्रोच किया। सही बात है। तो ऐसे सबूत के बगैर। तो वो रिस्पांस कैसा आया? अच्छा रिस्पांस आया उस? अल्हम्दुलिल्लाह कभी बुरा रिस्पांस आया नहीं, लेकिन वो गड़बड़ हो गई थी जिस पे मैं पकड़ा गया ना। मतलब लेटर जिसको भेजा था उसकी जगह किसी और ने पढ़ लिया और उस लड़की को ये लगा कि इसको तो मुझे भेजना चाहिए था, इसने इसको क्यों भेजा। ओह, वो इस चक्कर में शिकायत लगी कि स्पॉइल फॉर चॉइस थे। आउट ऑफ जेलेसी। सुना ना कि वो बात नहीं सुनी, मैं तो शिकायत ही लावांगा। तो उस लड़की ने कहा ये लेटर मुझे तो आ नहीं रहा, मैं तो शिकायत ही लावांगी। अच्छा ऐसा पढ़ाई में कैसे थे आप? आई ऑलवेज एक्सेल्ड, बट एक जो आदत मुझे अच्छी नहीं लगती थी वो ये था कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करता था। आई वॉज वेरी प्लेफुल, केयरलेस और हर वक्त उछल कूद, और उसमें आई वॉज लाइक नर्डी टाइप। वो आदत नहीं थी कि हर वक्त पढ़ाई में घुसे रहें, एग्जाम से पहले प्रेशर लेके पढ़ने की आदत थी हमेशा।